उत्तर प्रदेश में चल रही तमाम सियासी उठापटक के बीच सपा विधायकों ने अखिलेश यादव से मुलाकात की। विधायकों ने आगामी निकाय चुनाव को लेकर अखिलेश यादव को जानकारी दी। अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद विधायकों और कार्यकर्ताओं ने बयान दिए हैं, आइए आपको सुनाते हैं। मैदान में प्रचार कर रहे हैं। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलने के लिए आया था, अभी मेरी मुलाकात हो जाएगी और हम लोग पार्टी के जो भी नीतियां हैं वो जन जन तक पहुंचा रहे हैं और डोर टू डोर हम लोग कैंपेन स्टार्ट कर दिया है। और जैसे भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहेंगे कि चुनाव की जिस भी दिन घोषणा हो जाएगी और जिस टिकट अगर हमें देती है पार्टी, तो हम विजय करके जो है समाजवादी पार्टी की झोली में ये जीत देंगे। दूसरी चीज, जो 20-25 वर्षों से नगर निगम महापौर पे बीजेपी का जो प्रत्याशी है, जो विकास राजधानी होने के बाद होना चाहिए था वो नहीं हुआ, अगर समाजवादी पार्टी के पार्षद और जो है महापौर जीत के आता है तो जैसे मैनपुरी का विकास हुआ है ऐसे ही लखनऊ का भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी विकास करेंगे जो है ये हम लोग। तो लगातार चाहे विधायक की बात करें समाजवादी पार्टी के या फिर जो प्रत्याशी हैं जो निकाय चुनाव में चुनावी मैदान में इन दिनों टिकट के लिए समाजवादी पार्टी में बैठक में शामिल हो रहे हैं, खासतौर पर अखिलेश यादव तमाम कार्यकर्ताओं और पूर्व मंत्री हो या विधायक हो सबसे एक एक डोर टू डोर मुलाकात कर रहे हैं और निकाय चुनाव की समीक्षा कर रहे हैं। लखनऊ से एनके न्यूज़ के लिए अभिनव।